एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ 31.5% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है और इसने पहले जम दिखा के क्लोज हुआ एट 1384 रुपीज। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के शेयर के बारे में, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं वैशाली कुलकर्णी और आपका एंजल वन के आईपीओ स्कूप की सीरीज में स्वागत है, जहां आपको आईपीओ के ओपनिंग से लेके लिस्टिंग तक कंप्लीट जानकारी मिलती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ नियरली 68 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब हुआ, जिसमें से म्यूचुअल फंड जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तो 195.8 टाइम्स सब्सक्राइब किया, वही नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 48.3 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 7.36 टाइम्स सब्सक्राइब किया। और इतने ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद आईपीओ 31.5% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। बेसिकली एमक्योर फार्मास्यूटिकल एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एचआईवी और गायनेकोलॉजी रिलेटेड फार्मा ड्रग्स बनाती है। अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो ये इंडिया की 13th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। वही अगर हम इनके कवर्ड मार्केट की टर्म्स में बात करें, यानी कि गायनेकोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एचआईवी, एंटीवायरल जैसे चीज़ों में, तो ये टॉप 5 लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आते हैं। ये करंटली अपने प्रोडक्ट्स 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज में सेल करते हैं, विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया, यूरोप एंड कैनेडा। और एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, इनके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से 51.72% आउटसाइड इंडिया का है और 48.28% इंडिया से। और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के बीच में इनके एक्सपोर्ट्स 19.51% CAGR से ग्रो हुए हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ने इस आईपीओ से लगभग 1950 करोड़ रेज किए हैं, उसमें से 1150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था, यानी कि वो पैसा प्रमोटर्स के पास चला गया, लेकिन 800 करोड़ का फ्रेश इशू भी था जो कंपनी के पास ही रहेगा, जिस पैसों से वो अपनी बोरोइंग्स को कम करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 24 में 11% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुए है, लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% ईयर ऑन ईयर से डिक्लाइन हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ का आफ्टर लिस्टिंग इन डेप्थ रिव्यू। लेकिन साथ ही में आप हमारे चैनल पे एमक्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओस के अनाउंसमेंट के वीडियोस भी देख सकते हो, तो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया था। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स के लिए एंजल वन चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Investment in security markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.